सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट जो मेरा गिफ्ट सिटी वाला वीडियो था उन पर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे और क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि भाई लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, डायमंड टावर का अपडेट क्या है, यहाँ पे जो मेट्रो है वो आने वाली है या नहीं आने वाली है, कितनी लेंस के यहाँ पे रोड है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पूछे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें ये सारे जो आपके क्वेश्चंस है उसके मैं आंसर करूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और उसके साथ साथ क्या लेटेस्ट और न्यू डेवलपमेंट चल रहा है गिफ्ट सिटी में, क्या अपडेट्स है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड टावर की। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि भाई डायमंड टावर का अपडेट क्या है वो बताओ, डायमंड टावर कहाँ बनने वाला है, क्या प्रोग्रेस हुआ डायमंड टावर का, वहां जाके आप डायमंड टावर पे वीडियो भी बनाओ। पर जहां तक मैंने रिसर्च किया और पढ़ा है, अभी तक जो डायमंड टावर पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, बिकॉज वो जो डायमंड टावर है वो 87 फ्लोर्स का बनने वाला है, उसके साथ साथ उसकी जो हाइट है वो मोर देन 400 मीटर होगी। अब जो यहाँ पे गिफ्ट सिटी है वो सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए गिफ्ट सिटी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी जो अभी तक पेंडिंग है, इसलिए डायमंड टावर पे कोई भी वर्क स्टार्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने टावर बनाने का प्लान है गिफ्ट सिटी में। वैसे तो यहाँ पे 108 टावर बनाने का प्लान है, इसमें से थोड़े बहुत टावर है वो ऑपरेशनल कंडीशन में, और काफी सारे टावर ऐसे जिसका अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है। इन सब की पूरी डिटेल्स है वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कब तक गिफ्ट सिटी रेडी हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट की माने तो 2023 तक ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, बट अभी जो प्रोग्रेस चल रही है उसे लग नहीं रहा कि 2023 तक ये खत्म होगा। सो लेट्स सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेट्रो रिलेटेड है कि क्या गिफ्ट सिटी में मेट्रो आएगी। तो यस, गिफ्ट सिटी में मेट्रो का पूरा प्लान है, बट अभी तक तो अहमदाबाद में ऑनगोइंग वर्क है, तो गांधीनगर और गिफ्ट सिटी तक कब तक आएगा वो कुछ कह नहीं सकते। सो गाइज, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझे प्रीवियस गिफ्ट सिटी वाले वीडियो पे पूछे थे जिसके आंसर मैंने अभी दे दिए है। तो अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अभी मार्च 2020 में 17 ऐसी कंपनियां जिसे अप्रूवल मिल गए अपने यूनिट्स गिफ्ट सिटी में सेटअप करने के लिए, जिसमें से 11 ऐसी कंपनियां जो आईटी रिलेटेड सेक्टर्स में वर्क करती है, जैसे कि अजूरा टेक्नोलॉजीज, अजमेरा इन्फोटेक, श्राइन टेक्नोलॉजीज एंड ओमेगा साइबर वर्ल्ड। गिफ्ट सिटी में ऑलरेडी 180 कंपनियों के ऑपरेशनल यूनिट है, जिसमें BSE, NSE, बैंक ऑफ अमेरिका, इसके अलावा 13 मेजर बैंक और 17 इंश्योरेंस कंपनी भी इंक्लूडेड है। अगर आईटी कंपनीज की बात करें तो गिफ्ट सिटी में TCS, साइबेज, ओरेकल और इन्फीबीम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑपरेशनल यूनिट्स है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से टावर्स और बिल्डिंग्स है जो गिफ्ट सिटी में ऑपरेशनल है। सो टावर 1 और टावर 2 जिसमें की बहुत सारी आईटी कंपनीज है, उसके अलावा प्रेस्टीज ग्रुप टावर, ग्रैंड मर्क्यूरी होटल, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BIFC बिल्डिंग, गिफ्ट हाउस और जमुनाबाई नर्सरी स्कूल है। तो ये सभी टावर्स और यूनिट्स है जो कि गिफ्ट सिटी में अभी ऑपरेशनल है। लास्ट में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन टावर्स की बात करें तो इसमें आते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, LIC टावर, SBI टावर एंड स्टर्लिंग हॉस्पिटल। गिफ्ट सिटी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग SEZ, मतलब की स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। जब ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तब अराउंड 5 लाख जॉब्स ये क्रिएट करेगा, जो की बहुत बड़ी बात है। सो गाइज, ये थे कुछ लेटेस्ट अपडेट गिफ्ट सिटी के बारे में। अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो गिफ्ट सिटी का काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है, काफी सारी कंपनियां वो गिफ्ट सिटी में आई है, और अगर ऐसे ही ग्रोथ चलता रहा गिफ्ट सिटी का टारगेट है कि वो एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनेगा, जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर और दुबई या फिर लंदन है। तो अगर ऐसे ही ग्रोथ चलता रहा तो डेफिनेटली एक दिन है वो गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनेगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।